उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सपा नेता यूसुफ मलिक द्वारा कथित तौर पर अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद को मोबाइल फोन पर धमकाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को संयुक्त संघर्ष समिति कर्मचारी संगठन ने यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी को लेकर नगर निगम के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। धरना दे रहे संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए तथा उसको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। INN न्यूज मुरादाबाद। और इस बात की एक और बात कर दूं, प्रेम भाई, ये जो गिरते अपर नगर आयुक्त महोदय जी के साथ हुआ है, हम अपनी बात मनवाना जानते हैं उनसे भी, लेकिन जो गिरते हुआ है वो निंदनीय है। एक एक कर्मचारी, एक एक संगठन इसका बहिष्कार करे। कल को वो स्थिति हर कर्मचारी के साथ हो सकती है, माननीय महापौर जी के साथ हो सकती है, नगर आयुक्त जी के साथ हो सकती है। आज ये मामला एक नया परसों से आया है हमारे सामने कि यूसुफ मलिक ने जो हमारे अपर नियुक्त को धमकी दी है आके और ये कहा कि तेरी कोठी सील करता हूँ, तूने मेरे दामाद की कोठी सील करा दी है और गंदी गंदी गालियाँ जो मैं यहाँ आपके मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, जान से मारने वगैरह की धमकी दी गई है और उनका बड़ा अपमान किया गया। दूसरा, सफाई कर्मचारियों का धरना आंदोलन तो चल ही रहा है, परसों पल्ले रोज भी था, इतवार की वजह से हम लोग वो हो गए थे। अब दोबारा हम यहाँ धरने पर अनिश्चितकाल बैठेंगे दोनों मांगों को लेकर। एक तो ये कंपनी जो सफाई की कोई कंपनी आ रही है वो वापस जाए और 15,000 रुपए दिए जाएं और अपर नियुक्त का जो अपमान हुआ उस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। देखिए ऐसा है, लापरवाही कर रहे हैं, अभी हमारे नारे में डंडे में अभी दम ना आ रहा है, दम आ जाएगा तो सपा नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप लोग क्या? तो हम हड़ताल पर जा ही रहे हैं, क्लियर है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो सफाई कार्य बंद और दफ्तर बंद करा देंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।